डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। ठेले पर नींबू बेचते बेचते अकूत संपत्ति जमा करने वाले बसपा सरकार में मंत्री रहे हाजी याकूब की प्रॉपर्टी अब कुर्क होना शुरू हो गई है। इस क्रम में आज उनकी पत्नी संजीदा बेगम के नाम के दो खेत कुर्क कर लिए गए हैं। उन खेतों की अनुमानित कीमत 9 करोड़ रुपए है। सीओ रूपाली के मुताबिक याकूब कुरैशी की 31 करोड़ 77 लाख रुपए की कुल संपत्ति कुर्क की जानी है। इस बारे में सीओ रूपाली चौधरी ने यह जानकारी दी। मैडम, आज कितनी संपत्ति याकूब कुरैशी की कुर्क कर दी जा रही है और किसके नाम पर है, थोड़ा सा डिटेल बताइए। आज हाजी याकूब तथा अन्य लोग जिनके ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है, उनके खिलाफ 14A के तहत गैंगस्टर की कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। आज ग्राम शाकरपुर थाना खरखौदा में संजीदा बेगम के नाम पर 2 खेत हैं, उनकी कुर्की की जा रही है, जिनका अनुमानित मूल्य 9 करोड़ के आसपास है। कितनी संपत्ति आगे और कितनी करी जाएगी? आगे हमारे द्वारा चिन्हित की गई जो संपत्ति है उनका मूल्य 31 करोड़ की संपत्ति है, और आज के बाद स्टेप बाय स्टेप सभी संपत्तियां धीरे धीरे हम लोग कुर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। वेलेंटिस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।